आई लव लड्डू। एक पूरा कोकोनट लिया है, अब मैं इसके पीछे के इस कवरिंग को नाइफ की हेल्प से निकालने वाली हूँ। हमारा कंप्लीट कोकोनट छिल चुका है, अब हम इसे पहले एक बार वॉश कर लेंगे फिर ग्रेट करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा स्टर करके पका लेंगे। आप इसे लगातार इस तरीके से स्टर करते रहें और फ्लेम को मीडियम रखें। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 स्मॉल कप फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें 1/2 टीस्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके फिर 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, मिल्क ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, 1/2 कप शक्कर। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1/2 स्मॉल कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा पानी टाइप का निकलने लगता है, जिसे आप अच्छी तरीके से पकाएं और बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। जब आपको लगे कि इससे घी जो है बिल्कुल बाहर आ रहा है, तब आप इसका फ्लेम बंद करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे पानी सा निकल रहा है। आप इसे लगातार इस तरह से स्टर करते रहें और इसे तब तक पकाएं जब तक इससे ऑयल सिक्रीट ना हो। फ्रेंड्स, अभी हम इसे 3-4 मिनट तक और पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये हो गया है, पर अभी इसे और होना बाकी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब इससे ऑयल सिक्रीट हो रहा है और ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और इसे कूल डाउन होने देंगे 10 मिनट्स तक, फिर हम इसका लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब ये कोकोनट अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। मैंने इसे 2 कंटेनर में निकाला है क्योंकि हम 2 तरह का लड्डू बनाने वाले हैं। इस वाले कंटेनर में मैं 1 पिंच कलर ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो कोकोनट का छिलका बचा है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम इस सीजर की हेल्प से हार्ट शेप का छोटा छोटा हार्ट काट लेंगे, जिसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्राई कोकोनट पाउडर है।